सुनाई होगा, जो लोगों को ठग लिया करते थे और शिकार को कानों कान तक खबर तक नहीं लगती थी। रियल लाइफ में ऐसा ही एक मामला निकलकर सामने आया है राजस्थान से। राजस्थान में शातिर डॉक्टर ने अपने ही पेशेवर को शिकार बनाया है और करोड़ों रुपए ठगे हैं। अपने गैंग में उसने एक नर्सिंग स्टाफ को भी शामिल किया है। दोनों ने मिलकर 100 से ज्यादा करोड़पति डॉक्टर्स को चूना लगाया है और करोड़ों रुपए ठगे हैं। आखिर कैसे जयपुर के बंटी बबली पुलिस के शिकंजे में आए हैं, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। डॉक्टर एक पेशा बदनाम किया, 100 डॉक्टरों को ठग लिया, पैसा दोगुना करने का जाल, करोड़पति डॉक्टर हुए कंगा। ठगों के जाल में कैसे फंस गए राजस्थान के नामी डॉक्टर, 100 डॉक्टरों को ठगने वाले बंटी बबली। मिलिए रियल लाइफ के बंटी बबली से, शातिरों की ऐसी जोड़ी जिसने नामी गिरामी डॉक्टर्स को अपने जाल में फंसाकर उन्हें कंगाल कर दिया और खुद करोड़ों अरबों में खेलने लगे थे। जी हाँ, सुनकर थोड़ी हैरानी जरूर होगी, लेकिन इस जोड़ी ने राजस्थान के तकरीबन 100 डॉक्टर्स को अपने जाल में फांस कर उनके अकाउंट तक खाली करा डाले। हैरानी की बात देखिए कि बंटी बबली की यह जोड़ी भी डॉक्टरी पेशे से जुड़ी, रामलखन डिसानिया पेशे से डॉक्टर है, जबकि इसकी जोड़ीदार या बबली कह लीजिए वो है नर्सिंग स्टाफ। लेकिन दोनों को ठगी का ऐसा चस्का लगा कि पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस पूरे मामले का आरोपी खुद MBBS डॉक्टर था और उसने एक नर्सिंग पढ़ने वाली छात्रा नेहा जैन को अपने साथ मिला लिया। नेहा जैन का काम होता था कि दूसरे डॉक्टरों के पास जाए, न केवल मुख्य आरोपी के बारे में वह बताए, उसकी प्रैक्टिस के बारे में बताए, बल्कि यह भी बताए कि किस तरह से पैसे को कम वक्त में दुगना किया जा सकता है। चूंकि ये दोनों ही मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए थे और कई लोगों को शुरुआती दौर में इन्होंने रिटर्न भी वापस अच्छा खासा किया था, तो ऐसे में दूसरे डॉक्टर एक के बाद एक इनकी जाल में फंसते चले गए और इस तरह उन्होंने करोड़ों रुपए इन डॉक्टरों के नाम पर बैंकों से लोन ले लिया। बिल्कुल ऐसा ही था। नर्सिंग स्टाफ नेहा को डॉक्टर चारा बनाकर दूसरे डॉक्टरों के पास भेजता, बताया जाता कि कैसे कम वक्त में मोटा पैसा कमाया जा सकता है। डॉक्टर अपनी कमाई का पैसा इन्हें देने के लिए तैयार हो जाते, क्योंकि शिकार को बताया जाता था कि कितना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। शुरुआत में इन्होंने डॉक्टर्स को उनके इन्वेस्टमेंट के पैसों के बदले अच्छे खासे रिटर्न भी दिए थे। पहले फर्स्ट में इन्होंने कुछ उनको रिटर्न देना शुरू किया, मछली को दाना डाला तो फंस गए, फिर तो इनको लगा गया तो वास्तव में अच्छी रिटर्न दे रहा है। तो 1-2-3 ऐसे ऐसे पूछते पूछते डॉक्टर्स ने उनसे बातचीत करना शुरू किया तो एक दूसरे से पूछते तो उसमें, और तत्काल इसने सभी को एक अपने रैकेट में ले लिया। अभी जो डॉक्टर, फिर करीब इसके खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मुकदमे यहाँ दर्ज हुए, जिसमें एक मुकदमे में अरेस्ट भी हुआ। SOG द्वारा इसकी संपत्ति और इसके जो बैंक अकाउंट से उनको फ्रीज भी किया गया। अब आपको इनके ठगी करने के तरीकों को बताते हैं। दरअसल डॉक्टर्स को ठग जोड़ी बताती है कि कैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाकर मोटी रकम कमाई जा सकती है। जिनके पास करोड़ों रुपए थे उन डॉक्टर्स ने उनके कहने पर इन्हें दे दिए, डॉक्टर्स को अच्छे रिटर्न का झांसा देते, बैंकों से मोटा लोन लेने के लिए समझाते, डॉक्टर की डिग्री बैंकों में गिरवी रखवाते, लोन के पैसों को अपने अकाउंट में लेते, पैसे को अपनी ही कंपनी में लगा देते थे। कुछ वक्त तक पीड़ित को रिटर्न दिया जाता। शुरुआत में जब कुछ डॉक्टर्स इनके झांसे में आ गए तो इन्होंने साल 2015 में रघुकुल शेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और विजन एंटरप्राइजेस नाम से कंपनियां बनाई। इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जब जयपुर पुलिस ने इस पूरे मामले में अपनी तफ्तीश शुरू की तो उसे पता लगा कि ये लोग साल 2017 से ही जयपुर के नामी गिरामी प्राइवेट डॉक्टरों को अपनी बातों के झांसे में उलझाते और उन्हें इस बात के लिए राजी करते कि वे एक बैंक से जाकर अपने नाम पर लोन उठाकर इन्हें दे दे। बदले में ये लोग अच्छा खासा इन लोगों को रिटर्न देने के साथ महंगे गिफ्ट भी देते थे और इसी तरह से इन पर लोग भरोसा भी करने लगे, क्योंकि ये खुद भी डॉक्टर फैटर्निटी से ही थे और इनकी बातचीत का लहजा भी कुछ इस तरह से था कि आसानी से सामने वाला इनके झांसे में फंस जाता था।
यही नहीं, यहाँ से डूंगरपुर जाने के बाद इन लोगों ने किराए के मकान में रहना शुरू कर दिया और वहाँ पर ही प्रैक्टिस करने लगे। अपनी ही कंपनी में ठगी का पैसा लगा दे, क्योंकि लगातार करोड़ों रुपए इन्हें मिल रहे थे तो जाहिर था कि दिखावा जरूरी था। लिहाजा आरोपी लोगों से मिलने जाते तो BMW और मर्सिडीज कारों का इस्तेमाल करते, साथ ही बड़े बड़े होटल्स में पार्टी आयोजित की जाती। लिहाजा देखते ही देखते इनका रुतबा बढ़ता गया और पढ़े लिखे डॉक्टर्स इनके जाल में फंसते गए और इनका लाइफस्टाइल एकदम से बदल गया। जयपुर के डॉक्टर जब इन आरोपियों की बातों के झांसे में आकर इन्हें अपना पैसा देने लगे, उसके बाद मानो इनकी लाइफस्टाइल ही पूरी तरह से बदल गई। मर्सिडीज गाड़ी में ये घूमने लगे और जयपुर के इन डॉक्टरों को बड़ी बड़ी होटलों में पार्टियां भी देने लगे। यहां तक कि उन्हें विदेश जाने का ट्रिप का भी खर्चा ये लोग उठाने लगे। जैसे जैसे लोग इनके झांसे में फंसते गए, वैसे वैसे इन्होंने अपने पैसे को आलीशान रेस्टोरेंट और पब खोलने में लगा लिया। जयपुर के इसी तरह के कई इलाकों में उन्होंने पब खोल लिए थे और उनमें से एक पब में आग लगने के कारण इन्हें काफी नुकसान भी हुआ था। कुछ लोगों को रिटर्न के साथ आरोपियों ने महंगी गाड़ियां तक गिफ्ट दी ताकि इन पर शक करने की वजह न बचे, और ऐसा हुआ भी। लेकिन जब कुछ डॉक्टर्स को पैसा मिलना बंद हो गया, साथ ही उन्होंने जितने पैसे उन्हें दिए थे वो वापस नहीं मिले, तो इनके खिलाफ तकरीबन 2 दर्जन केस दर्ज हुए, जिसके बाद दोनों जेल गए। मगर जब जेल से जमानत पर बाहर आए तो फरार हो गए और पनाह ली राजस्थान के ही डूंगरपुर में। पुलिस से सुनिए फिर कैसे दोनों को गिरफ्तार किया गया। इसको पता था कि मुझे मेरे खिलाफ करीब 2 दर्जन प्रकरण है, मेरे खिलाफ वारंट जारी हो गई, तो इसने जो ही जमानत हुई तो अपना इसने वहाँ पर ये देखा कि मोबाइल नंबर वगैरह सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह सब इसने बदल दिए, बंद कर दिए और एक कॉलोनी के अंदर रहने लग गया जहाँ लोगों को दूसरे नाम से या उस परिचय भी करवाया और वहाँ भी ये कहने लगा मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये इलाज वगैरह के हिसाब से अपना काम शुरू कर दिया इसने। पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने तकरीबन 100 डॉक्टर्स को ठगा है। कई डॉक्टर्स तो ऐसे जो बैंक का लोन नहीं चुका पाने की वजह से डिफॉल्ट कर गए, जबकि कई डॉक्टर्स को अपना घर जमीन बेच कर लोन चुकता करना पड़ा। हालांकि हैरानी की बात देखी कि आरोपियों के खिलाफ अब तक सिर्फ 5 से 6 डॉक्टर्स ने ही शिकायत दर्ज कराई। इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन आरोपियों ने करीब 100 से भी ज्यादा डॉक्टरों को अपने झांसे में लिया, लेकिन इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए केवल 4-5 डॉक्टर ही आगे आए हैं, क्योंकि जिन लोगों को इन्होंने अच्छे खासे निवेश का रिटर्न देने का झांसा देकर पैसा लूटा था वे सभी प्राइवेट हॉस्पिटल से संबंधित थे या निजी क्लिनिक चलाते थे। ऐसे में वे लोग अपने पास मौजूद एक्स्ट्रा पैसे को कहीं ना कहीं निवेश करना चाहते थे और इनसे बेहतर इन लोगों को कोई और शख्स नहीं मिला था उनके पैसे को अच्छा खासा दुगना करके देने के लिए। इन आरोपियों के झांसे में आने वालों में डॉक्टर पृथ्वी मीणा भी शामिल है, जो कि जयपुर के SMS अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में कार्यरत है। इनके दस्तावेजों को गिरवी रखकर 65 लाख रुपए का लोन दिलाया गया था। ठगी के शिकार हुए इस डॉक्टर की पीड़ा सुनिए। एक हमारे जो डॉक्टर नंदलाल दिसाना जी है, हमारे फोरेंसिक में प्रोफेसर है, तो सर मैं तो उनके अंडर में यहाँ PG भी किए, मैंने MBBS भी ऐसे किए, तो उनको सर मैं सालों से जानता था, तो मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं, लगा भी नहीं कि सर भाई उनका भतीजा ही है वो, और मेरे बैच के भी थे वो लोग, तो इस तरह से ऐसा कोई फ्रॉड भी करेंगे ये लोग। तो ये बताया कि इन्वेस्टमेंट है और हम भाई ज़्यादा प्रॉफिट मिल नहीं रहा था, और ये जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उसके एक ब्रोकरेज हाउस खोला हुआ था इनका, रघुपुर शेयर प्राइवेट लिमिटेड, तो सारा पैसा सर उसमें गया था, पूरा व्हाइट मनी था इस तरह से देखा जाए तो, सर हमें लगा ही नहीं कि इस तरह से फ्रॉड भी हो सकता है। फिलहाल डॉक्टर्स को ठगने वाले और डॉक्टरी पेशे को बदनाम करने वाले ये बंटी बबली पुलिस की गिरफ्त में हैं। बकौल पुलिस इन्होंने ज्यादातर ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कराई। इनके खिलाफ पुलिस के पास पुख्ता सबूत भी हैं, जिसके बिना पर इन्हें सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन लोगों को सावधान रहना चाहिए, जल्दी पैसा डबल करने या कई गुना रिटर्न मिलने का झांसा देने वालों से बचें, वरना अपनी मेहनत की कमाई भी लुटा बैठेंगे। जयपुर से KJ श्रीवत्सन, News 24।